रहा वो पत्थर। तो ये जो मतलब मंदिर है ना, ये जो दिखाई दे रहा है सामने जो है, ये मतलब ये रास्ते पे जो भी क्रॉस करता है मैक्सिमम लोग यहाँ पे कुछ चढ़ा के जाते हैं। और ये पत्थर जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बहुत पहले से है। ये तो रास्ते के बीच में है, इसको हटाने के लिए कोशिश किया जा सकता है। मतलब इसको हटाने के लिए पहले कोशिश किया था पर हटा नहीं पाए थे, इसलिए इसको यहाँ पे ही छोड़ दिया गया है। मतलब गाड़ी प्रणब बंदर कहाँ है? ये मंकी पोपड़ा हागी निकले सीधा से प्रणब और मंकी। मंदिर का नाम हल्दीबाड़ी बुढ़िया मंदिर, हल्दीबाड़ी बुढ़िया मंदिर। तो अभी हम लोग फिलहाल बूढ़ा पहाड़ के बीच में हैं और अभी हम लोग राइनो स्पॉट में हैं। यहाँ से आप लोग राइनोस वगैरह देख सकते हैं। हम लोगों का पूरा टीम, कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार। फिलहाल अभी हम लोग मृत्युंजय मंदिर पे आए हुए, ये नौगांव में ही आए, काफ़ी अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं। थोड़ा अंदर दिखा देते, और तो ये हम लोग अंदर तो नहीं जा रहे पूजा करने के लिए, तो बाहर ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री पार्किंग भी है, यहाँ पे आके आप लोग गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। पहले भी आप लोगों को पार्किंग मिल जाएगा पर वो आई थिंक पेड है, तो पैसा देना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे आके फ्री में पार्किंग ले सकते हैं, लिखा तो यही है कि फ्री है ये, तो यहाँ पे आके फ्री पार्किंग ले सकते हैं। थोड़ा अंदर दिखा देते हैं, रुको। लोटस वगैरह रखा हुआ है, मछली वगैरह भी है काफ़ी। अंदर पूजा करने के लिए जा सकते हैं पर अभी हम लोग नहीं जा रहे। और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह भी जला सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा मछली है, तो मछली वगैरह काफ़ी है। ये देखो, तो यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है, मंदिर है या क्या है पता नहीं है, देखना पड़ेगा। और ये रहा मेन मंदिर, जो यहाँ से अंदर जा सकते हैं आप लोग, और पूरा भजन वगैरह चल रहा है वहाँ पे। अभी तो यहाँ पे कंप्लीट बनाया नहीं गया है,
शायद बाद में बनाएगा। ऐसे तो काफ़ी अच्छा है प्लेस, आ सकते हैं आप लोग घूमने के लिए। अगर आप लोग नागांव आते हैं देन यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। नौगांव से थोड़ा ही दूर है, आप लोगों को ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर पहले मिल जाएगा अगर आप लोग जोरहाट साइड से नौगांव जा रहे हैं। अगर गुवाहाटी साइड से आ रहे हैं तो आप लोगों को सेकेंड जो मिलेगा नौगांव जाने के लिए मतलब पॉइंट, तो वहाँ से 10-12 किलोमीटर बाद मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है। दोनों साइड असली लगा, लाइट जल गया, ये देखो यार या तक वैसे जस। तो यहाँ पे दोनों साइड मतलब छोटा छोटा स्टेडियम जैसा बना हुआ है, देखो पूरा मस्ती वगैरह है। अगर आप लोगों को अंदर जाना है तो चप्पल खोल के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सारा चप्पल रख के जा सकते हैं, और अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे जला सकते हैं, फिर आप लोग अंदर जाके पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, मंदिर के अंदर कचरा फेंकना मना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे आके आप लोग नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, फ्री पार्किंग बोल के फॉर विजिटर्स, एंड आप लोगों को नो शूज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे शूज़ वगैरह लेने के लिए मना कर रहे हैं, फिर लोगों को जूता सैंडल, हाँ यहाँ पे जूता मतलब शू वगैरह खोल के जाने के लिए। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं खुद ही। और अभी हम लोग निकलते हैं, ये पूरा अराउंड आप लोगों को दिखा देते हैं इस साइड। सो आज के लिए यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं।